ओके, पहले जे शेप स्टिच ना करते हुए हम पहले ये अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड पे जिपर हम अटैच करेंगे ताकि ये जिप जो है हमारी हाइड हो जाए। तो जिप के उल्टी जिपर है हमारी ये, इट्स अ ये सीधी जिप है, इसको उल्टी करेंगे, जिप को ओपन करेंगे और स्टिच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वन साइड प्रेशर पुट की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक अ वन साइड प्रेशर। इस तरह से अटैच कर लिए। अभी इसके ऊपर हम जे शेप वाला पीस लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा जिपर। इस तरह हमने जिप को कवर कर दिया है जे शेप वाले पीस से। फिर दूसरी तरफ हम लगाएंगे। नाउ लेट्स अटैच ऑन अदर साइड। तो दूसरी तरफ के लिए हमें दो पीस जे शेप के चाहिए होंगे, तो मैं एक और काटूंगी। लाइनिंग कट कर रही, एक में लाइनिंग कट कर रही हूँ ताकि ज्यादा मोटा ना हो जाए। वन पार्ट आई एम गोइंग टू कट द लाइनिंग। इसको हमें जे शेप जो है पूरा स्टिच करके कवर कर देना है। वी हैव टू कवर द जे शेप। उसके ऊपर हमारी पैंट वाली क्रॉच वाला पोर्शन रखना है। इसको आयरन करते हैं। रहेगा वन सेकेंड। ये पीस हमारा अंदर जाएगा, उसके ऊपर जे शेप वाला रखना है। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद हमारा जो ये पार्ट है जिप का दूसरा पार्ट, इसको इसके ऊपर रख के पहले इस तरह स्टिच कर देंगे, हाफ इंच अंदर स्टिच।
सेम जितनी हमें यहाँ इस तरफ स्टिच किया है उतना ही हमें उस तरफ भी स्टिच करना है. द सेम विड्थ वी हैव टू स्टिच 6.5 हियर. सो 6.5 हियर इतना होने के बाद इसे हमें इस तरह रखना है कि जिप पूरी तरह हाइड हो जाए. 0.25 इनसाइड फ्रॉम दिस कॉर्नर, 0.5 इंच अंदर हमें इस कॉर्नर से अंदर की तरफ इस तरह रखना है. ऐसे देखो सिंपली हमने जिप अटैच की. पहले सिंगल जी हमने इस तरफ अटैच किया, जिप अटैच करके हमने जिप को कवर कर दिया. एंड इस तरफ हमने डबल जी अटैच किया है ताकि ये लाइन फिनिश्ड हो जाए. और उसके बाद हम इसको इस तरह कवर करेंगे. कवर करने के बाद ये पार्ट को हमें इस तरह प्रॉपर पकड़ लेना है और इस तरफ टर्न करते हुए सेम पॉइंट पे स्टिच लगानी है. आई कैन डू नाउ. वन प्रेशर फुट इस तरफ स्टिच लगाएंगे. वी विल मेक स्टिच 1 प्रेशर फुट दिस साइड फ्रॉम जिपर. जिपर से एक पैर इस तरफ स्टिच लगाएंगे. तो ठीक है तो लाइट क्यों नहीं. जिप से थोड़ा इस तरफ हम स्टिच लगाएंगे. अभी हमारी जिप लग चुकी है. देखो ये इस तरह से दिख रहा है. इट्स लुकिंग लाइक दिस. अभी हमें हमारा बचा हुआ क्रॉच जोड़ना है. वी हैव टू जॉइन द लेफ्ट ओवर क्रॉच. हाउ कैन वी स्टिच प्रॉपरली. हम फिनिशिंग से कैसे लगा सकते हैं. सिलाई इस पॉइंट को हमें ऐसे पकड़ना है और इसको हम इस तरह करके जिप पे जहाँ पे हमारी जिप की एंडिंग हुई है स्टिच की सेम उसी पॉइंट पे. वी हैव टू मेक स्टिच फ्रॉम दिस पॉइंट सेम एंडिंग पॉइंट. एंडिंग पॉइंट से ही हमें थोड़ा ऊपर आके स्टिच करना है. जे शेप बीच में आ गया. हमें ध्यान रखना है कि पीछे का जो जे शेप है वो स्टिच में ना आ जाए. सारे पार्ट को हम इस तरफ करके स्टिच लगाएंगे. ऑल द पार्ट विल टर्न लाइक दिस. आप देख सकते हो आसानी से कि स्टिच हमने कहाँ पे की हुई है. अब जब मैं रोटेट करूंगी तो हमारी जिप प्रॉपरली फिनिश्ड हो चुकी है.
अब उल्टे तरफ से हमें देखना है। अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है सिंगल वाला, वो इस तरफ टर्न होता है। इस तरफ टर्न करने के लिए हमें एक और पीस, ग्रे पीस का कॉटन पीस काटना होगा, सेम ऐसा जे शेप का। के रखना है। अब हम इसको इस तरह फिनिश करेंगे एंड पलटा देंगे। In first, now we have to stitch like this, and here we have to do interlocking. उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा interlock. या फिर हम कवर भी कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी, कवर कर देते ऐसा हो जाए। इस तरफ हमने जिप को पहले स्टिच किया, फिर जे से कवर किया, और इस तरफ हमने जे पहले स्टिच किया और उसके बाद जिप अटैच किए। ऑन दिस साइड फर्स्ट वी हैड अटैच जिप एंड देन वी हैड कवर्ड विद जे, एंड दिस साइड फर्स्ट वी हैड स्टिच विद जे एंड देन कवर्ड विद, देन अटैच्ड विद जिपर। अब हमें लास्ट स्टेप करना है। ये हमने क्यों अटैच किया, ये इस तरफ का जो जे शेप वाला पार्ट है वो जाएगा इसको कवर करने के लिए, ताकि ये जिप हमारी स्किन को चुभे ना। फॉर कवरिंग दिस जिपर वी हैव टू मूव अवर जे शेप दिस साइड। ये इस तरफ का है, लेकिन हमें इस तरफ करना होगा ताकि ये जो जिपर है हमें चुभे नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक टॉप स्टिच। ध्यान रखना है कि उस तरफ वाला जे शेप उस तरफ ही जाए। यहां से हमें कट कर देना है। उसके बाद अगर हम इस स्टिच को कंटिन्यू करते तो हमारी जिप पैक हो जाती, हिलती नहीं। इसीलिए हमें ये एक पोर्शन नीचे का हटा देना है उस तरफ का, और जिप को कवर करना है। यहां से स्टार्ट करनी है स्टिच। पहले हमने ये जे को अंदर की तरफ करके ये स्टिच किए, अभी इस जे को हटा देंगे ताकि हमारी जिप खुल सके, या फिर खोल के स्टिच करना।
ये वाली स्टिच ना लगाए तो भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वी कैन डू हैंड स्टिच इफ यू कांट मेक दिस ये स्टिच प्रॉपरली, देन वी कैन स्किप दिस स्टिच। अभी हम साइड साइड अटैच कर लेंगे बैक का क्रॉस ज्वाइन करने के बाद, बैक का क्रॉस।